तो दोस्तों सबसे पहले जो है मेरी तरफ से आप सब भाइयों को जो है बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो अभी मैं रेडी वगैरह हो गया हूँ ईद की नमाज के लिए। ईद की नमाज के लिए बहुत कम टाइम रह गया है, तो अभी चलते ईद की नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों मस्जिद की तरफ हम लोग चल रहे हैं, मस्जिद के करीब पहुंच गए हैं, तो काफ़ी मजमा माशाल्लाह आगे जा रहा है। दोस्तों बयान स्टार्ट है, तो यहाँ पर खामोशी से बैठकर बयान सुनते हैं, फिर नमाज पढ़ेंगे। आप सब दोस्तों को भी जो है बहुत बहुत ईद मुबारक हो। दोस्तों काफ़ी मजमा आया हुआ है माशाल्लाह, जो है काफ़ी रशकश है, तो बड़ी मस्जिद है, काफ़ी मजमा आया हुआ है, काफ़ी लोग हैं। तो एक दफ़ा फिर आप सब दोस्तों को जो है बहुत बहुत ईद मुबारक हो। दोस्तों नमाज़ पढ़कर जो है मैं अपने शेरों की तरफ आ गया हूँ। मैं आपको अपने शेर बताता हूँ, ये मेरे शेर। तो दोस्तों ये मेरे शेर हैं। दोस्तों ऊपर आ गया हूँ, मैंने शेरों को जो है सबसे पहले दाना वगैरह डाल दिए। मयूर भाई ईद मुबारक, ईमान सलामत, रोज़ा तरावी कबूल। तरावी पढ़ा आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, सही, गुड हो गया। हम तो एक दफा भी नहीं बोले। यूसुफ भाई आपकी ईद कैसी गुजरी है? यार अल्लाह का ईद की नमाज पढ़ी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मयूर भाई आपकी यार ईद कैसी जा रही है? यार माशाल्लाह अच्छा ईद है, एंजॉय कर रहे हो या बस ऐसी बस नींद नींद जो सब पूरी की है, अभी उठ के आ रहे हो? नमाज वगैरह पढ़ी नहीं है इंशाल्लाह? नमाज पढ़ी है जी हाँ, नमाज पढ़ी। नहीं 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 नहीं, ये जो है नमाज जो एक होता है दिन में 5 बार बंदा पढ़ता है ना, एक होता है जुमे एक बार, एक होता है जो है हफ्ते में एक बार जुमे वाले दिन, जो है एक होता है 333, ये जो है 333वां वाला है। अपना बाप का शक लाया है। तो गाइस ये लोग आपस में गपशप लगा रहे हैं। नहीं नहीं देखो, तो आप लोग बातें नहीं करो, सही है ना? जल्दी जल्दी से खाना खाओ, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और ये सारी चीजें उठा के ले जाऊंगा, जल्दी जल्दी खाओ। अच्छा सैफुल इस्लाम आ रहा है, कितने मिनट तक पहुंचेगा? आपने कॉल की उसको? कॉल की है बाथरूम में था। तो अभी क्या बोलता है, अभी क्या कहता है, आएगा कि नहीं आएगा? आ रहा है। चलो सही है दोस्तों, अभी सैफुल इस्लाम भी आ रहा है, उसका भी इंतजार करते हैं। सैफुल इस्लाम भाई आप बहुत लेट आए हो यार। ईद मुबारक, ईमान सलामत, रोजा तरावी कबूल। और सुनाओ खैरियत से हो? और ठीक ठाक है, बैठ सैफुल इस्लाम भाई बैठो। बैठो सैफुल इस्लाम भाई। तो आप यार लेट क्यों हो गए? मैं दरअसल गया था कुछ रिश्तेदारों के घर, आपको पता है रिश्तेदारों से नहीं मिलूं फिर बाद में गिले आ जाते हैं। यार ये यूसुफ भाई बोल रहा था कि आपने ईद की नमाज नहीं पढ़ी। ये झूठ बोल रहे क्यों यार, झूठ बोल रहे हो? ये जो है दर्जी है, इस वजह से इसने जो नमाज नहीं पढ़ी है। ये रात को जो है सुबह 5 बजे तक जो है ये हमारी कपड़े जो है सिलाई कर रहा था, और कपड़े भी जो है बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह कपड़े बनाते हैं। सैफुल इस्लाम भाई इस ईद पर आपने कितने जोड़े बनाए? इस ईद पे करीब मैंने 150 से ऊपर बनवाए। 150 से ज्यादा जोड़े बनाए? जी हाँ। वाह, मतलब इस वक्त आपके जेब में लाख रुपया पड़ा होगा करीब, यही उम्मीद है? उम्मीद नहीं यार, निकाल के दो ना प्यार। यार आपने 150 जोड़े बनाए हैं, तो उसमें से 5 जोड़ों के जैसा खर्चा मुझे दे दो। कई 5 जोड़ों का खर्चा आपको दे दूं, पीछे मुझे क्या बचेगा? मैं नहीं देता जाओ यार, बहुत कुछ बचेगा यार, कितना कुछ नहीं बचता है। बस सही है यार, नहीं नहीं दो, सही है, कोई बात नहीं, खाना खा के घर में चला जाऊंगा। सही है सही है, आप खाओ। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं जूस वाली दुकान पे, 7 जान ब्रोस का सामान वगैरह भी उठाए, तो यहाँ
यहाँ से खाएंगे पियेंगे थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, पेट भी जल्द तो करेंगे कैसे भी भूख लगी थी सुबह से गाइस। सुबह से हम लोग किधर ही नहीं गए थे, तो अभी हम लोग निकले हैं घर से थोड़ा बाहर की तरफ, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जूस वगैरह पीते हैं यार दोस्त के साथ जियो, तो अभी यहाँ पे हम लोग जूस वगैरह पियेंगे फिर घर जाएंगे।